सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। क्या आप भी चाहते हो इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले एकदम सुपर फास्ट में पहुंचे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गो। तो फ्रेंड चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ और पिक्सार्ट कर लेते हैं ऑन। तो पिक्सार्ट ऑन करने के बाद क्या करना है आपको बता रहा हूँ गाइस, क्या करना है इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लेनी है और चले जाने अपने ऑल फोटोज पे। उसके बाद अपनी फाइल में आ जानी है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अपनी फाइल में और फाइल में आने के बाद कैसे करना है आपको ये वाली बैकग्राउंड जो है मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको क्या इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है रिसाइज में। रिसाइज में जाने के बाद आप देख लो साइज आपको ये रखना है 1717। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। और डन करने के बाद क्या करना है आपको जाना है ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में चलते हैं और अपने फाइल में। फाइल में आ जाने के बाद अपनी ये वाली फोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी स्टाइल करना है, कुछ भी कैप वॉप का आप मतलब देख के कर सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं हमको जो ये वाला फोटो अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो अच्छे से आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ यहाँ से डन। हमारा जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है तो यहाँ से कर लेते हैं डन। उसका क्या करना है यहाँ पे फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है, उसके बाद अपने ये वाली कैप को ऐड कर लेनी है और ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप को आपको घुमा देनी है और यहाँ से कर देनी है छोड़ा। उसके बाद यहाँ से ये वाली कैप को यहाँ पे घुमा कर लगा देंगे, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से आपको मैं इसको सेट कर लेता हूँ अच्छे से। सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत लोग तब गाना सुनता है, माफ़ करना। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो गैप है बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मतलब कि यहाँ पे देखो हेयर स्टाइल मैंने पहले से बना दिया ताकि मुझे वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हेयर स्टाइल चाहिए तो आप गूगल में जाकर क्रोम ब्राउज़र में जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हो हेयर स्टाइल PNG। आपको बहुत सारा हेयर स्टाइल मिल जाएगा जो आपको लग रहा है कि मेरे हेड में सेट हो जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने हेयर स्टाइल में लगा सकते हो। तो चलो गाइस इसको मैं थोड़ा सा साइडो बना लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रश पर क्लिक करना है और ब्रश पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा ऑपेसिटी को कम कर देनी है और थोड़ा साइज आप यहाँ बड़ा कर देना है। यहाँ से कर लेनी है सेट। सेट करने के बाद थोड़ा फोटो को जूम कर लेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद आपको क्या करना, थोड़ा थोड़ा इसे मार देंगे ताकि चेयर के जो साइड बन जाए और ये पैर का साइड बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ रेडी। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से साइड बन चुका है। तो मैं करना क्या है आपको ये वाली पेज पे क्लिक करना है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा जो है शैडो बन चुका है। तो वैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है फोटो। उसके लिए क्या करना है आपको टिंट आप फोटो को सेव करना है और सेव करने के बाद चलते हैं लाइटरूम की तरफ। उसके लिए क्या करना है आपको टिंट डॉट पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है सेव इमेज पर क्लिक करके और चलते हैं लाइटरूम की तरफ। तो क्या यहाँ पे वीडियो में पॉज करता हूँ। तो गाइस हमारा जो फोटो लाइटरूम की तरफ ओपन हो चुका है, तो आप कर लेते हैं इसको कलर सेटिंग। सबसे पहले क्या करना आपको जाना है लाइट पे क्लिक करना है और लाइट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लाइट को कम कर देनी है, थोड़ा साइडों को बढ़ा देनी है, ठीक है। और व्हाइट बैलेंस को आप यहाँ पे कम से करते हो यहाँ पे कम कर लेते हैं गाइस। उसके बाद ब्लैक को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो फोटो चमक आ जाए। उसके बाद क्या करना आपको इस पर कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद मिक्स पे क्लिक कर देनी है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आप यहाँ पे यू को कम कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है और क्या करना है यहाँ पे लुमिनेंस को आप यहाँ पे कम से कर सकते हो, यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा यू को आप यहाँ पे कम बेसी कर सकते हो। तो यहाँ पे कर लेता हूँ बेसी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज टाइप का ठीक नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ पे बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे लुमियंस है तो लुमियंस का ये बढ़ा देना कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है आपको इसे ब्लू पर क्लिक करना है, थोड़ा यू को आप यहाँ पे कम बेसी कर सकते हो, बस नहीं करना है आपको बढ़ाकर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ बढ़ा देनी है और थोड़ा लुमियंस को बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ऑरेंज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेस थोड़ा यहाँ पे सेटिंग करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ सैचुरेशन को, ठीक है। एल्यूमिनियम को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाओगे तो फेस वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फेस वाइट ज़्यादा नहीं करना, कम रखना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और इस पर क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है थोड़ा बैलेंस को बढ़ा देनी है। उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे सैचुरेशन को आपको कम रखनी है, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे कर लेते हैं डन। उसके बाद क्या करना है आपको उस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, ठीक है गाइस, ताकि अच्छे तरीके से चमक आ जाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा वाइब्रेट को आपको कम रखनी है ताकि जो साइड साइड है अच्छे तरीके से धुंधला वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। उसके बाद हो गया, यहाँ से भी आप चलते हैं इस पर और यहाँ से कर लेते हैं साफनेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साफनेस बढ़ाने से क्या होगा, आपको फोटो क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेस जो है फेस स्मूथ करने के लिए आपको ये कलर यहाँ पे नॉइस आपको बढ़ा देनी थोड़ी सी। और क्या करना है और कलर नॉइस यहाँ पे क्या होता है कि आप कलर करते हो कलर फटने लगता है, तो आपको यहाँ पे स्मूथ करने के लिए कलर आप इसको बढ़ा सकते हो ताकि आपको कलर जो स्मूथ हो सके। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो अच्छी तरीके से फोटो एडिट हो चुका है। तो गाइस देखो बहुत अच्छे, बहुत क्या लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है गाइस। तो इसको भी आप सेव कर लेते हैं। तो टिंट डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। आपको यहाँ फुल HD में फोटो सेव होती है। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।